शांति, बाप के गले का हार बनने वाले विक्रमाजीत गद्दी नशीन वारिसों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, निराकार बिंदु रूप साकार ब्रह्मातन में और अव्यक्त बाप दादा फरिश्ता रूप में। जितना चाहे हम निहारें, बातें करें, याद करें, खुश रहें, नशे में रहें, प्यार का अनुभव करें, विचित्र से प्यार, ये है नया प्यार, अनोखा प्यार। दिल रूपी कोठरी में तो बाबा बसना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें घर में एक बाबा का कमरा, कोना, कोठरी जो भी संभव हो बनाना चाहिए, ताकि हम वहाँ स्वर्ग जैसे सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकें, बाबा मिलन कर सकें, रू रिहान कर सकें। बाबा आज हमें बेदाग और चरित्रवान बनने की युक्तियां बताते हैं, क्या है वो सुनेंगे 20 जुलाई 2023 की मीठी मीठी मुरली में। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। ऐसे तो बाबा विचित्र है, बाबा के शरीर तो है नहीं, देह है नहीं, लेकिन विचित्र का भी चित्र माना बिंदु रूप। तो बाबा कहते हैं ये चित्र एक कोठरी में रख दो और घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, एक स्थान बना ले, वहाँ ही बैठें और बाबा से बातें करें, याद करें, तो बाबा कहते हैं सारा दिन याद बनी भी रहेगी और खुशी भी रहेगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर, विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। आधा कल्प से तो हम देहधारियों के प्यार में, प्यार कहें या दिखावा या झूठा प्यार, क्या कहेंगे, सबके अपने अपने अनुभव। तो बाबा कहते विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार, विदेही बाप से प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, हम उनके सामने बैठे हैं, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है, यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है, ऐसा प्यार संगम पर ही होता है, जिसका शरीर नहीं, विदेही, विचित्र, निराकार, ये है उनसे प्यार, अनोखा प्यार, नया प्यार। बाबा कहते ये प्यार संगम पर ही होता है। सारा कल्प हमने देहधारियों से प्यार किया, है ना, सारा ही कल्प, बिल्कुल। सतयुग त्रेता में भी आत्माभिमानी थे लेकिन शरीर का भान तो था ना, और द्वापर से तो फिर विकारी प्यार हो गया। तो बाबा कहते हैं ये विचित्र से प्यार, अनोखा प्यार, इसका अनुभव हम सिर्फ अभी ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान से प्यार सम्मुख। तो ये अनुभूति हमें बार बार करनी है, पूरा समय ही करनी है। गीत बजा, बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और सभी इसको अनुभव कर रहे हैं ना, सभी बच्चों को अनुभव हो रहा है,
बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वो आए हैं। तो विचित्र बाप के अनोखे प्यार का, नए प्यार का सभी को अनुभव हो रहा है, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना हम। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है, यह है विदेही बिगर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं, वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं, तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो हम भगवान के आगे मांगते आए, तो अभी तो सब इच्छाएं आशाएं बदल गई ना। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है, अभी हमें क्या चाहिए? सिर्फ बाबा, बाबा का प्यार। बाबा मिला तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है, याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है, यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं, तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो ऐसी हम क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी एक बाप को ही याद करें। बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दे। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। क्योंकि स्थूल चीज़ों पे जब हमारी दृष्टि जाती है तो याद आती है ना, क्योंकि हमें आधा कल्प से देह अभिमान में रहने की आदत हो गई है, साकार देह को देखने की आदत हो गई है ना। इसीलिए तो हमने इतना विस्तार किया है, देह देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, इनमें हम उलझ कर रह गए। तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, घर में शिव बाबा का चित्र रखना है। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। तो चित्र देखेंगे तो उनसे जुड़ी सारी बातें हमें याद आएंगी। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, अब वह आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। बाबा कह रहे हैं लिख के रख दो कि बाबा आया हुआ है, गॉड हैज अराइव्ड। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तो ये तो पति परमेश्वर है, हाँ, या परमेश्वर ही पति है, तो किसका चित्र होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। देखो बाबा अलग अलग चीजें बनवाते थे ना, अंगूठी, पेंडेंट, तो सब चीजें बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं, कितने बैजेस वगैरह बने। तो पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है, और सभी की याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए।
एक कोठरी बना लो, छोटा सा स्थान बना लो, बाबा का एक चित्र रखो और बैठ जाओ बस। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे यह तो अच्छा है ना, कहते हैं ना ये तो भाई बहन बना देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। पावन बनने लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना होगा, बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा ना कोई, और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तो हमारी तो अव्यभिचारी भक्ति है ना, एक की भक्ति, एक से बुद्धि योग। तो तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। वहाँ बैठेंगे, बाबा से योग लगाएंगे तो देखो वाइब्रेशन कितना अच्छा होगा, अनुभव होगा जैसे वैकुंठ में है। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी, उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, उनको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी जी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है। अब भारतीय लोग जो हैं, भारतवासी, वो कहेंगे उनको हद के बापूजी, गांधी जी को, सब तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं सबका बापूजी कौन है? बेहद का बापूजी शिव बाबा। शिव दादा नहीं, बाबा। वह निराकारी दुनिया में रहते हैं, श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी हैं। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं, परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। सब यही सोचते हैं ना, सब जगह है, सब में भगवान है, सभी भगवान है, इसलिए बुद्धि में ताला लग गया। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं, निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं, फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो, देह अभिमान में आएंगे तो विघ्न पड़ेंगे। क्या समझना है? हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं, यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने से बातें करो, सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सब की याद छोड़नी है, सूक्ष्म देहधारी भी और स्थूल देहधारी भी, सब की, तो एक निराकार को ही याद करना है। पक्का पक्का निश्चय करना है हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहां के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। देखो कई बार तो कई घरों में बाबा का चित्र रखने में और सब चित्र हटाने में हंगामा होता है ना, ऐसे अनुभव कि सब सूक्ष्म देहधारियों का भी चित्र हटा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, देवी देवताओं का चित्र हटा दिया, सबके चित्र हटा दिए, और फिर शिव बाबा का चित्र, निराकार का चित्र रखा, तो देखो सबके अपने अलग अलग अनुभव, घर में कितना कलह क्लेश हंगामा।
लेकिन एक दिन तो सब मानेंगे। तो ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए, शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, खग्गे हैं है ना, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाने वाले हैं, उनमें भक्ति भावना नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग बहुत भटकता है, पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह दुख धाम है, अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियां रचनी हैं, हम बाप को कैसे याद करें, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है, शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। देखो बाबा का चित्र देखते हैं तो कितनी कशिश होती है ना, कितना आकर्षण। तो बाबा कहते हैं कि घर में चित्र लगाओ, चलते फिरते चित्र देखेंगे तो फिर बाबा याद आएगा, ज्ञान के पॉइंट्स याद आएंगे, मुरली याद आएगी, क्या धारणाएं हमें करनी है, बाबा क्या कहते हैं, सेवा करनी है, सब कुछ याद आएगा। तो बाबा कहते हैं खुशी भी बहुत होगी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए, शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। और चित्र में बुद्धि जाती है ना, तो उससे तो अच्छा है कि शिव बाबा का चित्र लगाएं। तो बाबा ने अपना मिसाल बताया था, ब्रह्मा बाबा ने, कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो, वो क्यों फुट मसाज करेगी उनकी। तो बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में। देखो बाबा तो ब्रह्मा बाबा दादाजी गिरिराज जी ज्ञान में आने से पहले, शिव बाबा की प्रवेशता के पहले भी भक्ति के संस्कार थे ना, तो हर जगह चित्र रखते थे, गले में अपने और पॉकेट में रहते ही था, दीवारों पे भी लगाते थे जगह जगह। तो बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था, जैसे मस्त, बस चित्र देखा मगन हो गए, तो जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, बताते नहीं थे, चुपके से देखा, जैसे होता है ना प्रेम पत्र पढ़ते हैं चुपके से और बस मस्त हो गए। तो बाबा वही कहते कि घड़ी घड़ी चित्र देखता था, जैसे मस्त परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं, नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। देखो संपूर्ण स्वरूप से तो आत्मा वही ना, तो खींच तो होगी ही। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति नौंधा होती है, वैसे यह याद भी नौंधा होनी चाहिए, इससे प्राप्ति बहुत भारी है। भक्ति करते थे ना इतने चरण, उसमें श्रवण कीर्तन पूजन अर्चन, कितनी नौ चरण भक्ति के, इंटेंस भक्ति होती थी, एकदम संपूर्ण समर्पण, तब फिर साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते हैं वैसे याद में भी इतनी तीव्रता होनी चाहिए, तो बहुत भारी प्राप्ति होगी। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है भक्ति में, तो फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे, कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासोश्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो, बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं। देखो कैसे मगन हो जाते हैं ना, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ याद ना आए, मन में सिर्फ बाबा को बसा लो और उनकी याद में खो जाओ, मगन हो जाओ,
और सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी याद न आए। परंतु माया भी सामना करती है, भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है, समझाते थे ना बाबा। देखो साक्षात करके आती भी थी संदेशियाँ, तो इस तरह से नाटक भी करवाते थे बाबा पहले। तो बाबा कहते हैं कि नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। भक्ति मार्ग वाले भी तो ऐसे ही नाटक कितने बनाते हैं ना, फिल्म बनाते हैं। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। या फिर माया रावण का तूफान है। देखो साइक्लोन आता है, हवा इतनी तेज चलती है, चक्रवात होता है, तो कैसे मनुष्य, गाड़ियाँ, सब कुछ आजकल तो देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पेड़ वगैरह सब कैसे उखड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, इधर उधर सब चले जाते हैं, दूर फेंक देता है मनुष्यों को भी। तो बाबा कहते हैं या फिर माया रावण का तूफान है। इसमें तो देखो कहाँ जाकर हम पटकनी खाते हैं, ना आत्मा पटकनी खाती है ना। तो उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, लोग पूछते हैं ना कि आपके गुरु कौन है, कि आप इनको ही गुरु मानते हैं, ये हैं, बोलते हैं ना कि ये भी तो देहधारी को पूछते हैं जब ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखते थे। तो ये तो खैर साकार मुरली है, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर भी बाबा के अव्यक्त होने के बाद में लगाई गई। लेकिन वो पूछते कि आपको कौन, कहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है, कौन पढ़ाता है, कहाँ से ये बातें आई, तो बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर संन्यास कराए, वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे, अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। अब तो प्रैक्टिकल में होने ही है ना, देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बुद्धि से सबका त्याग करो और एक बाप से बुद्धि लगाओ। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। बाबा से वायदा करके यदि किसी और को याद किया तो टूट जाएगी ना सगाई। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो मैं फलाना हूँ, यह हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप की शरण में आ जाना है, सबको भूलकर, सबको छोड़कर। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। क्या करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, माना खुश रहना है, खुश होना है, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, पवित्र थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जा करके फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है, शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। आजकल तो देखो मोबाइल है सबके पास, तो कितना आसान हो गया बाबा का चित्र रखना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से चित्र देखो, बाबा से बातें करो। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना, शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। देखो बाबा कहते गरीबों को सोने का देंगे और साहूकारों को चांदी का, क्यों? क्योंकि देखो गरीब पूरी तरह से समर्पित होते हैं, है ना, जितना भी है धन अपना तन मन लगाकर कितनी सेवा करते हैं। तो यह माताएं बड़ी मीठी हैं, गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। और बाबा तो क्या है, भगवान कहते हैं ना भावना का भूखा होता है, भक्ति में भी कहते हैं। तो बाबा को तो भावना वाले बच्चे जो दिल से बाबा को याद करे बहुत अच्छे लगते हैं। तो साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं, गरीब निवास कहते हैं ना उनको। तो श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना, श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है,
इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। शिव बाबा व कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके। तो शिव बाबा व कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके। दादा लेखराज जी बचपन में गांव में रहते थे ना, तो हाँ यह दादा छोटेपन में था, पला ही गावड़े में हूँ, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं तो असंभव बातें हैं। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत, निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की जो बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। पूरे समाज में कोई कैसा भी हो, बाबा सबको अपना बनाते हैं। बाबा बोलते बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को अपना बनाते हैं, जिनको समाज दुत्कार देता है, तिरस्कार करता है। बाबा देखो उन माताओं का कितना मान करते हैं। ज्ञान का कलश कुमारियों पर, माताओं पर रखते हैं, है ना? वंदे मातरम कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं यूं तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं है। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। माना कोई पतित बाबा की सभा में आ गया चोरी छिपे, तो बाबा कहते हैं श्राप मिलेगा, है ना, क्योंकि इंद्र की सभा है ये। बाबा मिलन परमात्मा से मिलन है आत्माओं का, तो पवित्रता जरूरी है। बाबा तो अंतर्यामी है ना, यह बाबा बाहर्यामी है, ब्रह्मा बाबा। तो कौन कैसा बैठा है बाबा को तो पता चल जाता है। तो बाबा फिर संदेश भेजते थे पहले अव्यक्त बाप दादा भी, कि सभा में कोई पतित बैठा है, अनाउंस किया जाता था, फिर वो उठ के जाए तब फिर बाबा आए, है ना। तो एक दो बार ऐसा हुआ है। तो बाबा कहते उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी, इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लॉ ऐसे कड़े हैं, नियम है ना, परमात्मा से ऐसे थोड़ी मिल लेंगे। पवित्रता की बात है, धारणा की बात है। वही कहानी है ना कि इंद्र की सभा में वो परी ले आई इस मनुष्य को, तो आदम वो आई तो फिर देखो उसको पत्थर बना दिया, श्राप दे दिया। तो सब यही की बात है, कहानियां हैं। तो बाबा कहते लॉ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके, पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना, ऊपर वाले के पास ना कोई कलम न किताब, फिर भी रखता है वो सबका हिसाब। इसलिए ये ना सोचे कि बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा के ही महावाक्य हैं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। तो किसको धोखा दे रहे हैं, बाबा को या खुद को? बाबा को भी नहीं दे सकते, और इस तरह से जब हम करते हैं तो हम खुद को ही ठगते हैं, खुद से ही छल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई चोरी ठगी चल ना सके, पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना, जब सजा मिलेगी तो बहुत पछतावा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में
बैठना है। दूसरा, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी हैं। हम पहले कितने सुंदर थे, गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले वेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले वेदाग भव। बाप दादा समझाते हैं, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं। आत्मा रूपी हीरे में कोई दाग कैसे लगता है? दो बातें, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। दूसरे के बारे में सोचना, बात करना, दूसरे को देखना, यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। कोई भी हीरा जिसमें दाग रहता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। बाबा कहते हैं, आत्मा में भी यदि कोई कमी कमजोरी है, बुराई है, पर दर्शन पर चिंतन करने की आदत है, तो फिर आत्मा भी क्या हो जाती है? शक्तिहीन हो जाती है, व्यर्थ में चली जाती है। हमें क्या करना है? स्वचिंतन करना है। बाबा ने बताया है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, खुद हम अपने आप को कैसे तराशें। ज्ञान दिया है बाबा ने, समझ दी है, तो खुद को देखना है कि हम क्या से क्या हो गए, क्या थे पहले। तो खुद के बारे में जानो, पहचानो, फिर से वही अपना अनादि आदि स्वरूप, हमको जो संस्कार हैं वही धारण करना है, उसी स्वरूप में टिकना है, वही रूप लाना है। तब हमारे अंदर से, आत्मा के अंदर से दाग निकलेंगे और हम बन जाएंगे अमूल्य हीरा, जिनका जीवन होगा अमूल्य। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। देखो, बाबा ने चित्र की बात की, विचित्र के चित्र की बात, तो साथ ही साथ चरित्र भी याद आएगा। चित्र देखेंगे तो चरित्र भी याद आएगा, तो हम बनेंगे चरित्रवान। बाबा की महिमा याद आएगी तो हमें भी वही गुण धारण करने हैं। बाबा गुणों के सागर, हमें मास्टर सागर बनना है। तो स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। जिसको याद करेंगे उसके जैसा बन जाएंगे। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, शिव बाबा की कोठी। जरूर से अपने घर में एक स्थान बनाना है, वहाँ बैठकर बाबा को याद करना है, खुद से बातें करनी है। दूसरा, विचित्र प्यार, ये नया प्यार है, अनोखा प्यार है, है ना, विचित्र से प्यार है, तो इस प्यार का ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनुभव करना है। जब भी काम खत्म हो जाए और शरीरीपन का अभ्यास करना है। तीसरा है, अव्यभिचारी योग, किसी और को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाबा की याद, बाकी सबसे बुद्धि क्या करनी है, हटा लेनी है और एक बाबा से ही जोड़ लेना है, एक बाबा से ही योग युक्त रहना है। चौथा है, वेदाग हीरा, कैसे बनेंगे, स्वचिंतन और स्वदर्शन से। पांचवा, चरित्रवान, कब बनेंगे चरित्रवान, जब बाबा के चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो बनेंगे चरित्रवान। तो विचित्र के चित्र और चरित्र को याद करके चरित्रवान बनना है। ओम शांति।
सा।